हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है हमारे वैकेंसी एयर एजुकेशन में। हर रोज़ हम वैकेंसी के अपडेट देते रहते हैं। आज हम एक और अच्छी अपडेट आप लोगों के सामने रखने वाले हैं और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि NTPC की एग्ज़ाम फिक्स हो चुकी है। अब भले ही वो दिसंबर में, 15 दिसंबर में कभी भी हो सकती है एग्ज़ाम, पर ये घोषणा कर दी गई है रेलवे मंत्रालय द्वारा। अब देखते हैं आगे ये कब तक होगी एग्ज़ाम, लेकिन आप अगर इसकी तैयारी में जुट चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर तैयारी में अभी प्रेजेंट में इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले आपको ये देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप कंपटीशन में इस रेलवे विभाग के NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। और कैसे होगा डिफ़िकल्ट, आपको कट ऑफ देख के ही पता चल जाएगा। आपने किस बोर्ड से फॉर्म फिल किया है वो मैं जानकारी आप खुद को पता होगा कि आपने किस फॉर्म से, किस बोर्ड से फ्लिप किया है और वहाँ की कट ऑफ क्या रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी कट ऑफ की यानी कि जो भी सारे बोर्ड्स हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। और अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं एक वेबसाइट के जरिए आपको काफ़ी अच्छी अपडेट देने वाला हूँ। जो स्टूडेंट NTPC की तैयारी कर रहे हैं, NTPC की तैयारी करने से पहले ये देखना ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। तो हम बात कर रहे हैं NTPC की एग्ज़ाम के अपडेट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कट ऑफ की सारी जानकारी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। एक न्यूज़ एजेंसी के जरिए मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी दूंगा जो आपको शायद हो सकता है आपको अच्छी लगे और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अलाहाबाद यानी कि अहमदाबाद बोर्ड से फ्लिप किया है फॉर्म, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा बेसिक की कट ऑफ। फर्स्ट पेपर की बात करें मेंस की, तो यहाँ पे जो इसमें कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की 77 से लेके, OBC की बात करें 70 रही है करीबन, ST SC की बात करें 62 के आसपास रही है, जबकि ST की 47 के आसपास रही है। यानी कि फर्स्ट सेकंड की बात करें या फिर सेकंड पेपर की यहाँ पे बात करें मेंस की, तो यहाँ पे मेंस भी देख सकते हैं कम्युनिकेशन या एक्स सर्विसमैन की, तो यहाँ पे पोस्टों के अनुसार कट ऑफ रही है। जो इसमें अगर हम इसकी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी बात करें, तो यहाँ पे फाइनली कट ऑफ क्या रही है अहमदाबाद से, तो फाइनली सिलेक्शन इसमें 70 या 65 के आसपास ST का रहा है, जबकि हम जर्नल की बात करें 83, 79, 82 ये सारी SC ST कैटेगरीज की रही है। तो दोस्तों अगर आपने गुड्स गार्ड्स के लिए अप्लाई किया है, जनरल कैटेगरी के हैं तो 79 होगी आपकी, और अगर आप ST के हैं 65 के आसपास होगी आपकी, और अगर आप SC के हैं 71 के आसपास, OBC की 77 के आसपास। इसी दौरान एक्स सर्विस मैन के या फिर WESW की बात करें तो यहाँ पे वो भी दी हुई है। स्टेशन मास्टर की बात करें तो 74, 73, 67 और ST की बात करें 62 के आसपास इसमें कट ऑफ रही है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम कट ऑफ रही है, तो आपको इन कट ऑफ के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। अगर आप एक ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको करीबन 70 क्वेश्चंस का अपडेट होना होगा, यानी कि आपकी कट ऑफ मैक्सिमम आपको पेपर में 70 क्वेश्चन से अधिकतर क्वेश्चन नम मार्क्स लाने होंगे अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं। अब हम बात करें जनरल कैटेगरी की या फिर OBC कैटेगरी की, तो इनको भी करीबन 83 या 85 से ऊपर तक नंबर लाने होंगे जनरल और OBC कैटेगरी को, जब भी आप इसमें सिलेक्शन प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों पिछले प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे पिछले प्रीवियस ईयर इतना टफ कंपटीशन नहीं था जो अभी प्रेजेंट में है, और इस वक्त कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुका है, तो आपको ये कट ऑफ जो दिख रही है ये वाली कट ऑफ बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ अलग होगी। और चाहे भले वो ST का हो या फिर OBC का हो या फिर जनरल का हो, कोई भी कैटेगरी का हो, सभी के लिए कट ऑफ हाई रहने वाली है। यहाँ पे हम बात करें अजमेर बोर्ड की, तो अगर आपने अजमेर से फ्लिप किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन वेस्ट एक्स सर्विसमैन की, यहाँ पे जो पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन गुड्स गार्ड्स स्टेशन मास्टर, तो इनकी पोस्टों भी मैक्सिमम यहाँ पे रही है। जो जनरल कैटेगरी बात करें तो 85 से लेके और ST की बात करें 78 तक इसमें लगभग इतनी रही है। यानी कि दोस्तों सभी कैटेगरीज की बात की जाए तो जनरल को यहाँ पे करीबन 85 से या फिर 87 या 89 तक यहाँ पे एवरेज बताया गया है, 85 OBC की रही है, तो जबकि ST की सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन सब 78 यहाँ पे ST की रही है। तो दोस्तों
कोई सी भी कैटेगरी हो, आजकल सभी के लिए कंपटीशन टफ हो चुका है। तो यानी कि किसी को भी, किसी भी कास्ट को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि सभी स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और हो सकता है कि इस बार कंपटीशन में ये 17 से अधिक तक रह सकती है एसटी कैटेगरी की, मैं बात कर रहा हूँ अभी। और फिलहाल जिसमें हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी 75 काफ़ी कट ऑफ होती है, लेकिन इससे अधिक तक रहने वाली है इस वर्ष। तो आगे हम बात करें इसी दौरान इलाहाबाद की बात कर सकते हैं, या फिर इलाहाबाद में जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 87 रही है। और ट्रैफिक गुड्स गार्ड्स इसमें स्टेशन मास्टर, तो यहाँ पे सभी की 80 या एसटी कैटेगरी की बात करें 61 के आसपास रही है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पे 90 के आसपास जनरल कैटेगरी की रही है, और सेम ओबीसी की भी इतनी रही है। एससी की बात करें 82 के आसपास रही है, जबकि एसटी की बात करें तो यहाँ पे 75 के आसपास इसकी कट ऑफ रही है। इसी दौरान हम आगे बात करें जो मेन टॉपिक है बेंगलुरु, अगर आपने बेंगलुरु बोर्ड से लगाया तो यहाँ पे जनरल के 67 के लगभग रहना ज़रूरी है, और ओबीसी की 57 के आसपास, जबकि एसटी की हम बात करें 44 के आसपास रही है। यानी कि पिछले फर्स्ट पेपर के मेंस की बात करें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक की इसमें फाइनली बात करें हम, तो आपके इसमें 61 एसटी की रहने वाली है। तो इस बार देख सकते हैं बेंगलुरु में करीबन 65 या 70 के आसपास रहने वाली है। तो यानी कि दोस्तों आपको दो कदम आगे ही चलना होगा, अगर आपकी 50 कट ऑफ रही है पिछले वर्ष तो वहाँ पे आपको 70 नंबर लाने होंगे। मेरा कहना यही है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो अपनी कट ऑफ के अनुसार ही आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एक आसान तरीका हो जाता है तैयारी करने के लिए, अपने पास एक टारगेट बन जाता है। इसी दौरान भोपाल बोर्ड की बात करें तो भोपाल में भी यहीं पर 78 एसटी की दी हुई है, जबकि हम गुड्स गार्ड में यहाँ पे देखें 62 इसकी रही है इस बार, पिछले वर्ष की एसटी की 62 के आसपास रही है, जबकि एससी की बात करें 67, जनरल की 75, ओबीसी की भी 75 इसमें कट ऑफ रही है। और आगे बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, या फिर स्टेनो क्लर्क की, या स्टेशन मास्टर की, तो यहाँ पे 64 से लेकर 75 तक इसमें कट ऑफ रही है। तो यानी कि दोस्तों ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जनरल की कैटेगरी है, ओबीसी की कैटेगरी है, एससी की कैटेगरी है, और एसटी की कैटेगरी है, बाकी एससी एक्स सर्विसमैन की, उनकी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है। सबसे कम तो इन्हीं की है, क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन है, तो इसलिए इनकी कट ऑफ काफ़ी कम रही है, और इनमें कम लड़के भी बैठते हैं, इस वजह से कम रहती है। इसी दौरान हम आगे नेक्स्ट बोर्ड की बात करें यहाँ पे, तो ये भुवनेश्वर की हम बात कर रहे हैं। भुवनेश्वर में आपने फ्लिप किया है तो पिछले पेपर के में, फर्स्ट पेपर में करीबन जनरल के 71 के आसपास रही है, जबकि ओबीसी की 65 के आसपास रही है, एसटी की 48 के आसपास रही है। यानी कि दोस्तों अगर आप पहला पेपर पास करना चाहते हैं तो वही करीबन 60 से ऊपर होना जरूरी है, मैक्सिमम एसटी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। और सेकंड पेपर में बात करते हो दोस्तों 70% से अधिक तक नंबर आना जरूरी है, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे सेकंड पेपर के अंदर। क्योंकि दोस्तों जिस कैटेगरी की हम बात करें, चाहे वो गुड्स गार्ड हो, स्टेशन मास्टर हो, अकाउंटेंट हो, कम्युनिकेशन बॉस हो, एक्स सर्विसमैन हो, कम्युनिकेशन सर्विसमैन हो, तो यहाँ पर सभी की पोस्टों के अनुसार जो इनकी कट ऑफ रही है वो हाई लेवल तक रही है। इनमें बात की जाए तो सभी की लगभग 72 या 75 के लगभग जनरल और ओबीसी की रही है, जबकि एसटी की हम बात करें तो इसमें एवरेज बता रहा हूँ मैं, जिसमें 65 से 70 के बीच लगभग इसमें एवरेज रहा है सेकंड पेपर में, ये एसटी कैटेगरी का। अगर एसटी कैटेगरी की इतनी हाई रह सकती है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें जनरल कैटेगरी की भी कितनी हाई रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप इसमें कंपटीशन के अंदर उतर ही चुके हैं तो आपको ये चीज़ें क्वालिफिकेशन और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप इसमें क्लियर कर पाएंगे। सबसे कम की हम बात करें, सबसे कम कहाँ पे गई है इस बार, पिछले ईयर्स जो सबसे कम लेवल की कट ऑफ रही है वो इसमें दिया हुआ है कि भुवनेश्वर से इसके मालदा से सबसे कम रही है इस बार, जिसमें एसटी की करीबन 50 के आसपास रही है, जबकि ओबीसी एससी एसटी का जनरल कैटेगरी की 60 के, यानी कि 65 या 62 के आसपास रही है। इसी दौरान आगे हम बात करें तो चंडीगढ़ बोर्ड में
84 के आसपास जनरल की रही है, जबकि एसटी की बात करें 75 के आसपास रही है। अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो स्टेशन 76 के आसपास और 60 के आसपास इसमें स्टेशन मास्टर की रही है। चेन्नई की बात करते हैं अपन, चेन्नई में जो जनरल कैटेगरी का है उसमें 72 रही है और मैक्सिमम यहाँ पे एसटी की सबसे कम रही है 46 के आसपास। ये कम्युनिकेशन वाइस और एक्स सर्विस में इनकी बात हम कर रहे हैं, जबकि हम स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड या गार्ड्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इनकी पोस्टेड यानी कि इनकी कट ऑफ लगभग इसमें इतनी ही रही है 76 और 49 के आसपास। तो यानी कि दोस्तों इसमें एवरेज सभी का सेम रहा है, चाहे भले ही वो चेन्नई हो, बेंगलुरु हो या फिर भोपाल बोर्ड हो। बॉम्बे की बात करें तो दोस्तों बॉम्बे सबसे ज़्यादा रहा है, सबसे हाई बॉम्बे और गोरखपुर से इसकी सबसे हाई, इलाहाबाद से सबसे हाई रही है। इसी दौरान गोरखपुर की यहाँ पे बात कर सकते हैं, 87 के आसपास इसमें गोरखपुर की रही है। और ये सारी जानकारी है करीबन अलग अलग बोर्डों की यहाँ पे जानकारी दी हुई है। गुवाहाटी की हम बात कर सकते हैं, गुवाहाटी पे जनरल कैटेगरी की या गुड्स गार्ड्स की यहाँ पे बात करें तो वही 76-75 के आसपास, 74 जनरल की रही है, जबकि ओबीसी की 72 रही है और एसटी की 65 के आसपास रही है, जबकि 67 एससी कैटेगरी की रही है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम यहाँ पे 68 से लेके और इसके 52 तक इसमें एसटी कैटेगरी की रही है। इसी दौरान यहाँ पे फिर से बात कर सकें जनरल कैटेगरी के यहाँ पे गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर की, तो ये भी 67 के आसपास रही है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी आप खुद कोलकाता बोर्ड हो या फिर हम बात करें कोलकाता सेकंड या फिर कोलकाता सॉरी इसमें बात करें मालदा की यहाँ पे देखिएगा 31 फर्स्ट पेपर में रही है, सबसे कम मालदा से ही रही है जो एसटी कैटेगरी की है उसकी 31 है 31 है, जबकि एसटी की 43 है, ओबीसी की 48 के आसपास है, जबकि जनरल कैटेगरी की बात करें 61 के आसपास रही है। तो यानी कि सबसे कम कट ऑफ रही है जो मालदा से ही रही है। अब बाकी डिटेल आप खुद स्वयं देख सकते हैं, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी या फिर इसका पीडीएफ लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप लोग खुद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसकी एक एक पॉइंट वाइज बातें करेंगे, पूरे बोर्ड की बात करेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। अगर फिर भी आपको अपना बोर्ड का नाम दीजिएगा, हमें बोर्ड का नाम लिखिएगा, हम पूरी आपकी कैटेगरीज का नाम दीजिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहाँ से मैसेज कीजिएगा, पर्सनली वहाँ से भी आप अपडेट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमें कमेंट में लिखिएगा, और ऐसी इसी रेलवे एनटीपीसी से रिलेटिव आपको और कोई अपडेट चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।